समझते हैं तीन गुण के अधीन, थोड़ा सा समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, आहार जैसे पहले भी कहा कि केवल खाना खाना नहीं होता, पंच इंद्रियां पंच आहार लेती रहती हैं, पर उसकी बात आगे आएगी। अभी केवल हम जो खाते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। स्लाइड को भी देखिएगा, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी दत्चित होकर के सुनिएगा। हमने कुछ आहार लिया, हाथ भी नहीं धोए, मुंह भी नहीं धोया, गंदी जगह पर बैठे और आहार ले लिया, तो हम कहेंगे तामसिक व्यक्ति है। आपने बाज़ार में गए, सामान लिया, घर में आए, अच्छे से धोया, फिर ईश्वर को अर्पित किया, फिर उसका आहार लिया, तो हम कहेंगे सत्वगुणी व्यक्ति है। सबको बांटा तो ये सत्वगुणी व्यक्ति है। आप बाज़ार में गए, दोबारा से आपने सामान लिया, कुछ खाने का सामान लिया, आप चटपटा सामान लेकर के आ रहे हैं, ऐसा सामान लेकर के आ रहे हैं कि जिससे आपका भरण पोषण तो क्या होगा, बस आपके मुंह का स्वाद बढ़ेगा, उस उद्देश्य से लेकर के आ रहे हैं खाना, तो आप राजसिक खाना लेकर के आ रहे हैं, आप राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको एक मैं बात बताता हूँ, जैसे यदि आपने कभी जो मुर्गियाँ होती हैं, जो ये चिकन खाते हैं, शायद एक दो साल पहले अखबार में आया था, आप शायद नहीं जानते होंगे इस बात को, पोल्ट्री फार्म्स में जो मुर्गियाँ रखी जाती हैं, अब पोल्ट्री फार्म जो है कोई इतना स्पेशियस नहीं है, उसमें आपके पूरे के पूरे यानी मुर्गियों को धकेला जाता है, पड़ी रहती हैं बेचारी वहाँ पर। अब मुर्गियों की चोंच होती है, आपने देखा चोंच, हाँ, उस चोंच को गरम गरम लोहे से, जिंदा है मुर्गी पर उस चोंच को काट दिया जाएगा, फिर उसको पिंजरे में डाला जाता है। क्यों? ताकि वह मुर्गियाँ यदि आपस में लड़ें तो एक दूसरे को आहत ना पहुँच कर दें, चोट ना पहुँचा दें एक दूसरे को, इसलिए उनकी चोंच को कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। वह मुर्गी जिंदा है पर उसकी चोंच काट दी जाती है। जब उसकी चोंच काटी जाती है तो उसको आनंद होता होगा, शायद होता नहीं है, आपकी उंगली छोटी सी भी यहाँ पर कट लग जाए तो आह एकदम से निकल आती है। तो इन मुर्गियों के साथ भी क्या क्या होता होगा भगवान जाने। एक सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति के मन में यह भाव आएगा और वो उसी दिन से मांस भक्षण छोड़ देता है। पर एक रजोगुणी व्यक्ति है जो, वह कभी कभार खा लेगा, उसको स्वाद लगता है मांस। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वह तर्क क्या देगा, भाई इसने तो मरना ही है, तो अगर लोहे से भी गुजर गई तो क्या दिक्कत है, ये तर्क भी तो दे सकता है, ये तर्क भी वाजिब है, पर ये तमोगुणी का तर्क होगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसका अपना शरीर है, पूरे जीवों की वह भलाई नहीं देखता, वह केवल और केवल अपना स्वार्थ देखता है, यह तमोगुणी का लक्षण होता है। तो पहला कहा आहार, अपने आहार को भी देखना, यदि शाकाहारी है, ईश्वर को समर्पित भोजन है, तो कहना कि तुम सत्वगुणी हो, जानना कि तुम सत्वगुणी हो। और यदि तुम्हारे आहार में केवल और केवल चिप्स पिज्जा बर्गर यही ज्यादा चल रहे हैं तो जानना कि तुम रजोगुणी हो। और यदि तुम्हारा आहार ऐसा है कि केवल मैंने ही खाना है, बाकी वो कहीं से भी आए, तो समझना ये तमोगुणी प्रधान जीव का लक्षण है।